हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सेकंड लेसन, नाइन्थ क्लास के सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो रिमेनिंग पार्ट था वो पढ़ाएंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हम इस लेसन को पढ़ रहे थे द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि एवेलिन ग्लेनी की स्ट्रगल स्टोरी है। एवेलिन ग्लेनी जो कि डेफ है, बचपन में ही जिनका हियरिंग पावर चला गया, उसके बाद उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और वो बहुत ही फेमस ताल वादक बनी। तो अब हम देखेंगे, फोर्थ पैराग्राफ से हमें पढ़ना है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस स्थान से। शी टर्नड द यूनाइटेड, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। And by the time she was 16, she had decided to make music her life. She toured the United Kingdom. वो United Kingdom गई with a youth orchestra, एक युवा orchestra के साथ। And by the time she was 16, और उस समय जब वो 16 साल की थी, she had decided, उन्होंने निश्चय किया, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, संगीत को अपना जीवन बनाने का। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। शी ऑडिशन्ड, उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। शी ग्रेजुअली मूव्ड, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकल परफॉर्मेंस तक। एकल मीन्स होता है अकेले, एकल प्रदर्शन, एकाकी प्रदर्शन जिसको बोलते हैं। एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स की समाप्ति पर, शी हैड कैप्चर्ड, वो पा चुकी थी टॉप अवार्ड्स, उच्च पुरस्कार, वो अधिकतम उच्च पुरस्कार पा चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए, एवेलिन नहीं मानती एनी हिंट फॉर आप होली हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवेलिन नायकत्वीय उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं करती। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो Where you are going, कि तुम कहाँ जा रहे हो, you will get there, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एक सेकेंड, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो एकदम ऊंची चोटी पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। हेक्टिक मीन्स होता भाग दौड़, और भाग दौड़ वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के, मीन्स वो ठीक चोटी पर पहुंची, करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सबसे सर्वाधिक वांछित तालवादक की चोटी पर पहुंची। It is
intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing. ये उत्सुकता वादक है to watch Evelyn's function. Evelyn का कार्यक्रम देखने की so effortlessly without hearing. बिना प्रयास के Evelyn को बिना सुने कार्यक्रम देखना उत्सुकता पूर्वक उत्सुकता वादक है. In our 2 hours discussion, she never missed a word. In our 2 hour discussion, हमारे 2 घंटे की बातचीत में she never missed a word. उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा. Men with bushy beards give me trouble. Men with bushy beards. बुशी होता है झाड़ी को कहते हैं. झाड़ी वाली दाढ़ी वाले व्यक्ति गिव मी ट्रबल मुझे परेशानी देते हैं. शी लाफ्ड वो हंसी. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इसमें केवल होठों को नहीं देखना होता. इट इज़ द होल फेस ये पूरा चेहरा होता है. स्पेशली द आइज खास करके आँखें. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लेट. शी स्पीक्स वो बोलती है फ्लॉलेसली. फ्लॉलेसली मीन्स बिना गलती के. वो बिना गलती के बोलती है विद स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट मीन्स होता है लहजा. स्कॉट के लहजे में. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. माई स्पीच इज़ क्लियर मेरी भाषा साफ है बिकॉज आई कुड हियर क्योंकि मैं सुन सकती थी टिल आई वॉज 11 जब तक मैं 11 की थी. शी सेज वो कहती है. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन लेकिन ये समझ नहीं आता. हाउ शी मैनेज कि उसने कैसे सीखा फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. फ्रेंच और फ्रांस और प्राथमिक जापानी भाषा. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स संगीत के लिए शी एक्सप्लेन वो स्पष्ट करती है. इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. इट पोर्स ये प्रवेश करता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर के हर अंग से. इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स. इट टिंगल्स इन द स्किन. टिंगल्स मीन्स झंझनाना. ये झंझनाहट करता है इन द स्किन त्वचा में. माई चीक बोन्स मेरे गालों की हड्डियों में. एंड इवन इन माई हेयर और यहाँ तक मेरे बालों में. वेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन. वेन शी प्लेज जब वो बजाती है ज़ाइलोफोन. जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. शी कैन सेंस वो महसूस कर सकती है द साउंड संगीत को पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों में. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम. लीनिंग मीन्स झुकना. लीन मीन्स झुकना. ड्रम पर झुके हुए शी कैन फील द रेजोनेंस. रेजोनेंस मीन्स द गूंज. वो गूंज को महसूस कर सकती है फ्लोइंग इन टू हर बॉडी अपने शरीर में जाते हुए. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म एक लकड़ी के चबूतरे पर शी रिमूव्स हर शूज वो अपने जूते उतार देती है सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट. इसलिए कि वाइब्रेशन. वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन. कंपन उसके बेयर मीन्स होता है नंगे. नंगे पैरों से गुजरे एंड अप हर लेग्स और उसके पैरों में जाए. नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. नॉट सरप्राइजिंगली इसमें कोई आश्चर्य नहीं है. एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस कि एवेलिन अपने श्रोताओं को. ऑडियंस में श्रोताओं को डिलाइट्स में आनंदित करती है. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1951 में उसे प्राप्त हुआ रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी का सबसे उच्चतम एकल पुरस्कार. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड. परकशनिस्ट मीन्स तालवादक. कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड कहते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. हियरिंग मीन्स श्रवण शक्ति सुनने की ताकत सुनने की क्षमता. भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण. लेकिन उसके बदले उसे कुछ असाधारण दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स. हम जो सुनते हैं शी फील्स वो महसूस करती है.
far more deeply than any of us. हम सबसे अधिक गहरा. That is why she expressed music so beautifully. Express means अभिव्यक्ति करना. इसलिए वो संगीत को इतना सुंदर से प्रकट करती है. Evelyn confesses. Confesses means स्वीकारना. Evelyn स्वीकारती है that she is something of a workaholic. Workaholic means काम में डूबे रहना. Evelyn स्वीकार करती है कि वो किसी काम में डूबी रहती है. I have just got to work. मुझे बस कार्य करना है. Often harder than classical musician. Classical musician means शास्त्रीय संगीतकार. अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन. But the rewards are enormous. Enormous means होता है अत्यधिक. लेकिन पुरस्कार अत्यधिक हैं. Apart from the regular concerts. रेगुलर कंसर्ट्स नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग. Evelyn also give free concerts. Evelyn मुफ्त में संगीत प्रदर्शन भी देती है. इन prisons एंड हॉस्पिटल बंदीगृहों में और अस्पतालों में. शी also gives high priority to classes for young musician. Priority देना means प्राथमिकता. वो उच्च प्राथमिकता देती है टू क्लासेस कक्षाओं को फॉर यंग म्यूजिशियन युवा संगीतकारों को. एन ब्रिशलिन ऑफ द बीट हुवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन सेज. बीट हुवेन फंड की एन ब्रिशलिन कहती हैं बीट हुवेन फंड बाधित ये डेफ चिल्ड्रन मीन्स बाधित बच्चे बधिर बालकों के लिए बीट हुवेन फंड की एन रिश्लिन कहती हैं. शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन. शाइनिंग इंस्पिरेशन मीन्स जगमगाती प्रेरणा. वो बधिर बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा है. शी इज़ दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो. दे सी वे देखते हैं दैट देयर इज़ नाउ वेयर कि ऐसी कोई जगह नहीं है दैट दे कैन नॉट गो जहाँ वो जा नहीं सकते. Evelyn Glennie हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. Evelyn अपनी उम्र के दोगुना लोगों से अधिक प्राप्त कर चुकी है. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा. शी हैज़ ब्रॉट वो लाई परकशन मीन्स तालवादन को लाई इन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा. आर्केस्ट्रा में सबसे सामने. एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स प्रदर्शन किया और प्रदर्शित किया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग कि ये बहुत आगे बढ़ सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. She has given inspiration. उसने प्रेरणा दी to those उन लोगों को who are handicapped जो विकलांग हैं. People who look to her लोग जो उसे देखते हैं and say और कहते हैं if she can do it I can यदि ये कर सकती है I can मैं कर सकता हूँ. And not the least और ये कम महत्वपूर्ण नहीं है. She has given enormous pleasures to million कि उसने लाखों लोगों को आनंदित किया है. तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू.